हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली फॉर टेस्टनेट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोर्स करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, कैसे करने चाहिए। तो हर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन जरूर मुझसे पूछा जा रहा है कि सर, मैं इस कॉलेज में, इस कोर्स में सेलेक्ट हुआ हूँ MA प्रोग्राम में, क्या मुझे ये कोर्स, ये प्रोग्राम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये इसका आंसर आपको खुद से ही सोचना ज़रूरी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बारे में मैं कहूँ तो, क्योंकि अगर आपको सोशल सेक्टर ज्वाइन करना है तो इससे बढ़िया कॉलेज आपको या कोर्स अच्छा प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे कहीं अदर, और इससे अच्छा जो सिलेबस है इनका वो भी अच्छा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सोशल साइंस कॉलेज ही है, आपको पता भी है ये बी स्कूल नहीं है। तो अगर आपको सोशल सेक्टर ज्वाइन करना है या आपको सोशल इशू जैसे बड़े बड़े मुद्दे हो या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो या एनजीओ ये सब में जॉब करनी हो, देखो ये वीडियो HRM हॉस्पिटल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, क्योंकि वो उनका अलग तरीका है। ये जो अलग, जो बाकी इनको छोड़ के जो भी कोर्सेस हैं, चाहे वो हैदराबाद में होता हो, चाहे वो तुलजापुर में होता हो, चाहे गुवाहाटी में होता हो, उनके लिए है और मुंबई के लिए भी है, लेकिन HRM के लिए नहीं है, क्योंकि HRM आपको पता ही है क्या है, उसका प्लेसमेंट पैकेज इंडिया का सेकंड बेस्ट कॉलेज भी है और सेकंड बेस्ट कोर्स भी है। तो पैकेज भी आपको मालूम भी होगा, 20 लाख, 24 लाख कम से कम चली जाती है। इस बार का भी प्लेसमेंट रिपोर्ट बताऊँगा, 18 लाख कम से कम एवरेज रहती है। और हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का अलग प्रोसेस है, तीन दोनों कोर्स को हटा के बाकी सब कोर्सों के लिए हैं, मुंबई, तुलजापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे सोशल सेक्टर ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं MBA करूँ या ये वाला कोर्स करूँ, तो ये खुद से आपको सोचना है कि आपको क्या सोशल सेक्टर में जाना है कि नहीं जाना है, आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, NGOs में काम करनी है कि नहीं करनी है, आपको कम सैलरी में काम करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे HRM का मिलता है वैसा किसी को भी नहीं मिलता है, याद रखना, बाकी सब कोर्सेज के लिए। तो ये गलत बात है जो भी बोल रहे हैं कि HRM जैसा प्लेसमेंट हर कोर्स में, ये गलत बात है बिल्कुल। HRM का अलग है, बाकी सबका अलग है। तो 5 to 7 लाख जैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप किसी भी कोर्स से, या उससे कम ही बोलो, 5 to 7 या 4 to 7 लाख, तो इतना तक ही जाता है बाकी सब कोर्सेज का, क्योंकि आप फ्रेशर्स रहते हो या आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहता है, आगे जाके बहुत हो सकता है। लेकिन आप बोलोगे कि मुझे भी 10 लाख का पैकेज नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा, तो वो उसके लिए नहीं है, उसके लिए प्रोग्राम नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे ऐसे, तभी मैं सोचा ये वीडियो बना दूँ, ताकि सारे को, बहुत लोगों का ही क्वेश्चन था ये, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो डेवलपमेंट चैलेंजेस, सोशल इशू या सोशल चेंज के लिए, तो आपका कोई भी ऐसा सोच है? अगर आपका सोच ही ऐसा नहीं है तो आप आगे जाके काम कैसे करोगे? आपको तो यही काम मुसीबत लगेगी कि ये मैं क्या चुन लिया और ये मेरे लिए उससे भी बड़ा मुसीबत बन गया। तो ये पहले जानना ज़रूरी है कि आप इसके लिए, आप करने के लिए तैयार हो कि नहीं। आपको जो सोच रहे हो, जैसे कि हाँ मुझे ऑफिस में बैठ के ही सब कुछ दिन बिताना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है। जब आपको प्रोजेक्ट के लिए काम करना पड़ेगा, आपको रूरल एरिया भी जाने पड़ेंगे, कम्युनिटीज़ में भी जाने पड़ेंगे, सभी के प्रॉब्लम्स को भी जानना, आपको सभी को प्रॉब्लम्स को भी जानना पड़ेगा आपको, सोसाइटीज़ के, कम्युनिटीज़ के, क्योंकि आप सोशली टाइप ये कोर्सेस है सारे। तो ये सब आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ताकि आप समझ लो कि हाँ आपको जाना है कि नहीं। ज़रूरी मेरे मुताबिक सारा बेस्ट MA का कोर्स है, मैं यही बोलना चाहूँगा, कोई मेरे लिए ये बेकार कोर्स नहीं है, सारा कोर्स बहुत ही अच्छे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप MBA करो, आप इस कॉलेज में भी सिलेक्टेड हो, इस कॉलेज में भी सिलेक्टेड हो, ये आपकी डिसीजन रहेगी कि आपको किधर सेक्टर जाना है, कौन से सेक्टर में काम कर। रही बात, अब बोलेगा कि हाँ मुझे ये कोर्स करना है और इसका क्या स्कोप्स रहते हैं, जो भी रहते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं इस कोर्स को पढ़ के,
तो उसके लिए मुझे कमेंट मत करना, कमेंट में प्रॉब्लम हो जा रही है मुझे ढूंढने में। उसके लिए आप स्पेशली, मैं हैंगआउट में हूँ, हैंगआउट गूगल की ऐप है, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है याद रखना। ये हैंगआउट में मेरा है साइड इफेक्ट tiss@gmail.com, जो मैं बताता हूँ पिछले पिछले वीडियो में, देख लेना वो एग्जैक्ट ईमेल आईडी डालकर हैंगआउट में मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि कमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए किसी को, हर को मैं कमेंट नहीं कर सकता, किसी किसी का स्पैम हो जाता है कमेंट भी, तो इसलिए समझ नहीं पाते हैं। वो मेल मुझे मैसेज कर सकते हैं हैंगआउट में, और यही मेरा लास्ट स्टेटमेंट रहेगा कि आपको क्या करना है खुद डिसाइड करो। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे हर 3 बच्चे में से 2 स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इसी तरह आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू।